अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल डॉक्टर एसएम रिव्यूज़। आई एम बैक विद अनदर वीडियो। आई होप यू आर डूइंग वेल। यार मैंने आज सोचा कि संडे का दिन है तो थोड़ा बहुत इन्जॉय किया जाए। छोटी सिस्टर को बड़ी मुश्किल से मनाया कि यार चलो पीएफ चलते हैं, इन्जॉय करते हैं और अपने व्यूवर्स को भी इन्जॉय करवाते हैं जो कि कराची में नहीं रहते। यार जो लोग कराची में रहते हैं, पता है आप लोग कहेंगे कि ये पीएफ जा रही है, तो आप लोग भी यार हमारे साथ इन्जॉय करें। ये वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए है जो कराची से बाहर रहते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे मैं मास्क खरीद रही थी क्योंकि मुझे मास्क मैं लाजमी वेयर करती हूँ जब भी बाहर जाऊँ। ये मुझे मास्क 20 रुपीज़ का मिला तो मैंने अपनी सिस्टर से छप्पड़ कर ली 20 रुपीज़ जल्दी। ये यहाँ की बेसिकली गिफ्ट शॉप थी मैंने जहाँ से मास्क ख़रीदा है। तब आप देख सकते हैं मैंने मास्क ख़रीद लिया था तो मैं गिफ्ट शॉप से बाहर निकल गई थी क्योंकि गिफ्ट शॉप्स के बाहर के मनाज़िर हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ झूले मौजूद हैं। 3:30 बजे का टाइम हो रहा था आई थिंक यहाँ पर, तो इस वजह से यहाँ पर गर्मी की वजह से झूले जो है वो स्टार्ट नहीं हुए थे। ये शाम में झूले स्टार्ट होते हैं। अब आप ये देख सकते हैं कि पीएफ म्यूज़ियम की जो ग्रीनरी है, जो पार्क है, जो ग्रास है, वो कितनी ज़्यादा साफ़ है और यहाँ का एनवायरनमेंट कितना ज़्यादा हाइजीन है। आप यहाँ पर अपनी फैमिली को लेकर आएँ और ख़ास तौर पे जिनके छोटे बच्चे हैं वो यहाँ पर आके बहुत ज़्यादा इन्जॉय कर सकते हैं। ये पार्क के लिहाज से या पिकनिक के लिहाज से भी बहुत ही ज़्यादा सुटेबल जगह है। और अगर आप अपने बच्चों को हिस्ट्री के बारे में, पाकिस्तान एयरफोर्स की हिस्ट्री के बारे में कुछ बताना चाहते हैं तो ये प्लेस उनके लिए बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है। और अगर हाइजीन की बात की जाए तो छोटे बच्चों के लिए बहुत अच्छा है। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि मैं म्यूज़ियम के बाहर खड़ी हुई हूँ, तो मैं म्यूज़ियम के अंदर आ चुकी हूँ। अब आपको यहाँ पर जो प्लेन नज़र आ रहा है, ये प्लेन कायदे आज़म का प्राइवेट प्लेन था जिसके अंदर उन्होंने अपना आखिरी सफ़र तय किया था। जब कायदे आज़म को क्वेटा से कराची लाया गया तो वो इसी प्लेन में लाया गया था। तो ये प्लेन हिस्ट्री के लिहाज से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कायदे आज़म के लिए, स्पेशली क्योंकि इसके अंदर उन्होंने अपने बहुत सारे सफ़र तय किए थे, अगर वो हम पॉलिटिकल ले लें या उनकी प्राइवेट लाइफ से ले लें। अब आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर एक जहाज़ का पार्ट दिखाई दे रहा है आप लोगों को, जो कि ये जापानीज़ जहाज़ का पार्ट था। ये मैंने वहाँ पर रीड किया था लेकिन कुछ प्राइवेसी की वजह से, कुछ रिस्ट्रिक्शंस की वजह से हम कुछ तस्वीर नहीं ले सकते थे। अब आप ये देख सकते हैं ये डिफरेंट टाइप्स के जहाज़ के इंजन्स यहाँ पर आप लोगों को दिखाई दे रहे हैं और ये जितने भी इंजन्स हैं ये उन जहाज़ों के इंजन हैं जो कि वार के टाइम पे इस्तेमाल किए गए थे। अब आप लोगों को यहाँ पर अंदर देख सकते हैं कि बहुत सारी मशीनरी पड़ी हुई है और कुछ मशीनरीज़ के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस भी मौजूद नहीं है क्योंकि ये कंस्ट्रक्शन का टाइम चल रहा है। मैंने आप लोगों को टाइटल में यही बताया था कि क्या तब्दीली आई है म्यूज़ियम के अंदर, तो म्यूज़ियम के अंदर ये तब्दीली आई है कि यहाँ पर एक तो लाइटिंग बहुत ही ज़्यादा कम हो गई है, इसके अलावा यहाँ पर कंस्ट्रक्शन भी चल रही है और यहाँ पर फैंस वगैरह भी नहीं चल रहे होते। इन दिनों ही ये हो रहा है क्योंकि कंस्ट्रक्शन चल रही है। अगर ओवरऑल म्यूज़ियम की सफ़ाई के बारे में बात की जाए तो म्यूज़ियम की सफ़ाई बहुत ही ज़्यादा औसम हुई हुई है। मुझे स्पेशली पीएफ म्यूज़ियम पसंद ही इसी वजह से है क्योंकि यहाँ पर अब बहुत ज़्यादा सफाई का ख़्याल रखा जाता है, हर चीज़ प्रॉपर वे में साफ़ हुई हुई है। और आगे हम अब जाते हैं, अब देखते हैं आगे क्या है। मेरी सिस्टर ने मुझसे कहा कि हमें कायदे आज़म के प्राइवेट जेट के बारे में थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन पढ़ लेनी चाहिए, तो यहाँ पर मैं प्राइवेट जेट के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन पढ़ रही थी। और आप लोग देख सकते हैं कायदे आज़म की कुछ तस्वीर यहाँ पर हैं जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। ये तारीख की कुछ तस्वीर हैं जो इन्होंने एयरफोर्स के ऑफिसर्स के साथ ली हुई थी। इसके अलावा यहाँ पर बहुत सारी इनकी इन्फॉर्मेशंस लिखी हुई थी, बहुत सारे बातें लिखी हुई थी हिस्ट्री की, जो कि मैं नहीं आप लोगों को पढ़कर बता सकती क्योंकि बहुत ज़्यादा वीडियो लंबी हो जाएगी। अब आप यहाँ से ऊपर से प्राइवेट जहाज़ देख सकते हैं कायदे आज़म का, कितना ज़्यादा खूबसूरत है।
एक और बात मैं आपको बताती चली जाऊँ कि कायद आज़म के जहाज़ के अंदर अभी भी वही फर्नीचर मौजूद है, वही पर्दे मौजूद हैं जो कि कायद आज़म ने अपनी पसंद से इसके अंदर रखवाए थे और लगवाए थे पर्दे। अब आप ये देख सकते हैं कि मैं आगे जा रही हूँ और पूरा ओवरव्यू आप म्यूज़ियम का देख सकते हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि बहुत सारे ऐसे अवार्ड्स हैं, बहुत सारी शीट्स हैं जो कि पाकिस्तान एयर फोर्स ने हासिल की थी डिफरेंट टाइप्स की जब वार्स हुई थी उनके अंदर। यहाँ पर बहुत सारी हिस्ट्री की तस्वीर मौजूद हैं, कुछ पार्टीशन से पहले की हैं, कुछ पार्टीशन के बाद की हैं। और आप लोग ये बैक पे देख सकते हैं जितने भी क्या नाम है शहदाए कराम हैं उनकी पिक्चर्स भी यहाँ पर मौजूद हैं। ये टेबल चेयर्स जो हैं इनका भी हिस्ट्री से एक बहुत बड़ा ताल्लुक है। और अगर हम आगे चलते जाएं तो अब हम यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर कुछ गन्स मौजूद हैं जो कि वार के टाइम पर यूज़ हुई थी। बहुत सारी गन हैं यहाँ पर और अभी हम देखते हैं आगे जाकर। अच्छा, ये आप लोग देख सकते हैं कि पाकिस्तान एयरफोर्स के डिफरेंट टाइप के यहाँ पर यूनिफॉर्म्स आपको दिखाई दे रहे होंगे। अच्छा, समर के यूनिफॉर्म अलग होते हैं, विंटर के अलग होते हैं, अलग अलग सीजन्स के अलग अलग इनके यूनिफॉर्म्स होते हैं। तो ये अलग अलग टाइम के यूनिफॉर्म्स यहाँ पर मौजूद हैं हिस्ट्री के, कुछ 1992 के हैं, कुछ 2002 के हैं, कुछ अलग अलग ईयर्स के। यहाँ पर जितने भी आज तक एयरफोर्स में यूनिफॉर्म्स यूज़ हुए हुए हैं ये सारे यहाँ पर मौजूद हैं। तो अब मैंने सोचा कि कुछ बैजेस के बारे में देखा जाए। अच्छा, यहाँ पर कुछ डिफरेंट टाइप्स के बैजेस लगे हुए हैं, ऑफिसर्स के अलग बैजेस हैं, अकाउंटेंट्स के अलग बैजेस हैं, जितने भी लोग हैं वहाँ पर एयरफोर्स में जॉब करते हैं उनके अलग अलग बैजेस यहाँ पर मौजूद हैं हिस्ट्री में जितने भी अभी तक आए हैं। फिर मैंने सोचा कि मुझे नीचे जाना चाहिए। अच्छा, यहाँ की स्टेयर्स भी बहुत ज़्यादा बेहतरीन बनी हुई हैं, ईज़िली आप नीचे जा सकते हैं, बहुत प्यारी लगती हैं। तो अब मैंने सोचा कि मुझे कुछ खा लेना चाहिए क्योंकि मैंने सोचा मैं यहाँ का ज़रा कैफेटेरिया भी देखूँ। यहाँ पर अब मेरी बहन और मैं थोड़ा टहल रहे थे तो अब यहाँ पर हम आए हैं। सिस्टर ने कहा कि चलो यहाँ का थोड़ा सा कैफेटेरिया देख लेते हैं, थोड़ा सा स्ट्रीट फूड देख लेते हैं कि खाना कैसा है यहाँ पर। पहले तो हमने बहुत बार खाना खाया लेकिन आज हम आपके साथ भी शेयर करेंगे कि यहाँ का खाना कैसा होता है। तो जी, हम लोग कैफेटेरिया की तरफ जा रहे हैं। तो मुझे चाट पसंद आई थी, समोसा चाट, तो वो मैंने यहाँ से ख़रीद ली। अब मेरे को यहाँ पर जगह ढूंढनी थी जो कि बहुत ही एक मसला है, कश्मीर बन गया था मेरे लिए क्योंकि यहाँ पर जगह ढूंढना थोड़ा सा मुश्किल होता है फूड स्ट्रीट में। तो फाइनली मुझे यहाँ पर जगह मिल गई और मैंने कहा जल्दी जल्दी बैठ जाओ इससे पहले कि कोई और आ जाए। सिस्टर ने कहा कि अब आप खा कर बताएं। जी, मैं आपको खा कर टेस्ट बताती हूँ। टेस्ट मुझे इतना अच्छा नहीं लगा, नॉर्मल टेस्ट लगा मुझे, लेकिन क्या पता आपको पसंद आए। फिर मैंने बिरयानी खरीदी, इसका टेस्ट एवरेज था। आई होप यू लाइक माई वीडियो। इफ़ यू लाइक माई वीडियो डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। अल्लाह हाफिज़। Thank you.